गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो रखा है, जिसमें आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया है। ZPH स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया है, जिसमें आज इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगी मैं ग्रामर का चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ से इंग्लिश हम लोग शुरू करेंगे। इंग्लिश में जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। 5 वॉवेल लेटर को छोड़ के 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स को कहते हैं हिंदी में शब्द। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलते हैं, दो या दो से अधिक अक्षर या वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी एक या एक से अधिक लेटर मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। इन वर्ड्स को इनके इन और ये वर्ड्स जो हैं, ये एक से अधिक वर्ड्स जब मिलते हैं तो उनसे सेंटेंस बनते हैं, हैं? तो वर्ड पहले वर्ड्स लेटर, लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फिर सेंटेंस बनते हैं। इन इंग्लिश वर्ड्स को ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। All the English words are divided into 8 groups according to the function या works in a sentence are called parts of speech. They are as follows. पहला हुआ noun माने संज्ञा। दूसरा हुआ